ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਖੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ जे असी एकजुट होकर एक पासे हो गए तो असी सरकार हुला के रख देंगे हुण भी असी चेतावनी देने सरकार नूं समझ जो असी ना वोटा पाउणियां ना वोटा पाउण देवांगे हर बूथा जाके इस धरने लावांगे असी इहनां नूं वोट नहीं पैण देवांगे सिर्फ तो सिर्फ अपने जिहड़े इहनां दा खजाना वह भर रहे हैं ये लोगों बारे कुछ नहीं सोच रहे पंजाब दे वक्-वक् विभागों दे विच काम कर रहे मुलाजमान दा सरकार दे प्रति रोस दिन ब दिन वधदा जा रहा है ते अज लुधियाना विखे समाजिक सुरक्षा विभाग दे सोशल वर्कर्स दे वल्लों लुधियाना दे कंपलैक्स दे बाहर सरकार मुर्दाबाद दे नारे लगाए गए लोगों ने कहा है कि साढ़े चार साल का समा बीत गया पर इस विभाग दे उत्ते सरकार दी अजे तक नजर नहीं पई ते आए साल उन्हां नूं लारे लगा के वापस भेज दिता जांदा है मुलाजमान ने पे कमीशन दीआं कापियां फाड़ियां ते सरकार मुर्दाबाद दे नारे लगाए असी अज पंजाब सरकार खिलाफ जो सानू इन्होंने पहला सरकार बनन ते वादे किए भी असी तुहानू पे कमीशन की रिपोर्ट देवांगे असी आ देवांगे असी वो देवांगे डीए दी किस्तां देवांगे ये सानू इन्होंने कुछ नहीं दिता साढ़े चार साल बीतन ते इलैक्शन नेड़े आ गई आ हुण आ गए इन्हां दीआं अक्खां खुल्लियां वो भी साड़ी यूनियन ने बड़ा संघर्ष किया संघर्ष करके इन्ह दी अखा खोलिया ने अखा खोल के जे सानू पे कमीशन की रिपोर्ट देन लगे ने ते ओ सानू वधन दी बजाय साड़ी तनखा घटनी शुरू हो गई ये बड़ा कुछ कहिंदे ने पहला गऊ हत्या गऊ के नाते मुलाजमान 200 रुपया कटना शुरू करता ये सानू जदों दे आए ने मुलाजमान देन दी बजाय लैना शुरू करता खोना शुरू करता तुसी ये देखो कोई भी वर्ग साहित्यकार व्यापारी मजदूर कोई भी ला लो तुसी कोई खुश नहीं इस सरकार तो जब सरकार ने कुछ दिता ही नहीं तो लोग खुश किवें होणगे हुण मुलाजमान वल हो गए मुलाजमान देन बजाए मुलाजमान का खोना खोन लग गए ने असी अज कापियां साड़ के रोस प्रगट किया सरकार नूं चेतावनी दिंदे आ भी जे सानू ये पे कमीशन की रिपोर्ट सौत करके ना दिती तो असी होर तिखा संघर्ष करांगे और आने वाली इलैक्शन दे विच ये बड़ा धोखा खाणगे असी ना वोटा पाउणियां ना वोटा पाउण देवांगे हर बूथा जाके धरने लावांगे असी इन्हां नूं वोट नहीं पैण देवांगे पंजाब सरकार ने साडे मुलाजम वर्ग के नाल बहुत ही ज़्यादा धक्का किया है एक तो जिहड़ी पे कमीशन की रिपोर्ट हैगी है वह इन्नी लेट दिती है जो कि उन्होंने वादा किया कि जो ही साड़ी सरकार कैप्टन सरकार आएगी उसके नाल ही पीए कमीशन की रिपोर्ट दी जाएगी पर जो भी दी है वह भंबल भूसे वाली एक रिपोर्ट है जिन्हों लंगड़ी रिपोर्ट असी कहने हैं किसी का कुछ पता नहीं लगता वादे जगह साढ़े जोड़े है उस सू घाटा पै रहा है ना ही साडा जिहड़ा बकाया डीए उन्हें टाइम सर दिता तो ना ही सानू जी पे कमीशन की रिपोर्ट मूलों असी नकारते हैं अज असी कापियां साड़ के असी अपना पुरजोर जिहड़ा विरोध करते हैं अज असी समाजिक सुरक्षा विभाग सोशल वेयर कंपलैक्स लुधियाना वज सरकार खिलाफ छेवें पे कमीशन किया गया जिहड़ा वितकरा मुलाजमान उहदे रोस विच सरकार वल्लों दिखाउण लई संघर्ष जारी रखने लिए जिहड़ियां कापियां साड़ियां ने छेवें पे कमीशन दियां जिस विच सरकार ने साडे नाल बहुत ज़्यादा धक्का किया ये जिहड़ी रिपोर्ट है कई सालों तो जिहड़ी है सरकार लटका रही है तुहानूं अज दे रहे हैं कल दे रहे हैं करदे करदे जिहड़ा समा साढ़े चार साल का जिहड़ा बीत गया है मतलब बहुत लंबा संघर्ष जिहड़ा सानूं हुण करदियां नूं बीत चुका है पर सरकार है जिहड़ी वह टस तो जी मस नहीं हो रही इसे अगे जी इलेक्शन आ रही है जी जी तो लगता भी सरकारी मुलाजम उस पक्ष खड़नगे नहीं जी नहीं नहीं जिस तरह साडा सरकारी पेंशनर ते सरकारी जेडे प्रेजेंट मुलाजम ने 7.5 लाख की जी सा गिनती है तो साडे घर के चार चार मैंबर है इंटू 27 लाख जे होर असी अपना आस पड़ोस ले लिए तो साड़ी लखा दे विच जिहड़ी वोट बनती है जे असी एकजुट होकर एक पासे हो गए तो असी सरकार हुला के रख देंगे हुण भी असी चेतावनी देने सरकार नूं समझ जो मुलाजमान जो मुलाजमान का हक है वह दे दो
वरना संघर्ष अगे होर तिखा किया जा सकता। साडिया पेंशन जेडे मुलाजम 40-40 साल नौकरी करते हैं उन्होंने इन्होंने पेंशन जीडिया वो बंद कर दती ने। साडे जेडे नवे बच्चे इन्ने पढ़े लिखे उन्होंने कोई इस वेले नौकरी नहीं आ। एक जेड़ा MA MEd बच्चा वह क्लास 4 की नौकरी लिए भी तरस रहा, उन्होंने जी सिर्फ 10,000 रुपए से उन्होंने नौकरी अलॉट होनी है, वह भी नहीं पता होनी है कि नहीं होनी। इन्होंने 7-7 पेंशन लै रहे हैं कि जे मुलाजमान से रूल लागू होंगे इन ते रूल लागू नहीं होंगे, ये अपन तनखाव क्यों नहीं घटाते, अपने भत्ते क्यों नहीं घटाते। सब तो वड्डा यही कारण है कि इतने पढ़े लिखे बच्चे की वुकत नहीं पैंदी, उन्होंने ना तो नौकरियां मिल रही ने ना ही उन्होंने कोई रोज़गार है, इतने कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही, कोई ये काम नहीं वधा रहे, ये सिर्फ तो सिर्फ अपने जेडे इन्हों का खजाना वह भर रहे हैं, ये लोगों बारे कुछ नहीं सोच रहे। ये पुछो तो सही किन्नियां नूं रोज़गार दिता है, बच्चे तो थां थां तक खा रहे हैं। हुण इस वेले साडे महकमे दियां आंगनवाड़ी वर्करां ते हैल्परां दियां पोस्टां 3500 से 7500 तो साढ़े को MA MEd तक कुड़ियाँ आ रही ने, MSc IT तक कुड़ियाँ आ रही ने। तुसी दसो जे इन्हां ने नौकरियां दित्तियां तो बच्चे साढ़े को धक्के क्यों खाण। नहीं जी, यह संघर्ष लंबा चलेगा क्योंकि इन्होंने साडे नाल पहला भी धोखा किया, असी इन्हां दियां गल्लां सुनते रहे, ये फिर टल जाते हैं, फिर गल्लां सुनते हैं फिर टल जाते हैं, पर हुण नहीं, हुण साडी भी बस हो चुकी है, बहुत टाइम गुजर चुका। ये जे साडी नहीं सुनते तो यह संघर्ष इस तो भी तेज़ होगा, जिहदा खमियाजा इन्हां नूं वोटां विच जरूर भुगतना पवेगा।